करीब 3 साल से ज्यादा समय बाद सुधा भारद्वाज को जमानत मिली है। कौन है सुधा भारद्वाज? सरकार के लिए एल्गार परिषद माओवादी मामले की एक आरोपी, कमजोरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक जुझारू महिला, ऐसी महिला जिसने दूसरों की सेवा और भलाई के लिए अमेरिका की नागरिकता छोड़कर भारत के दूर दराज इलाकों में रहना और काम करना चुना। एक वकील, एक मानवाधिकारी, एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता है सुधा भारद्वाज, जिनके ऊपर बड़ी साजिश के इल्जाम लगे हैं। सुधा भारद्वाज पिछले 30 सालों से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। मुख्य रूप से सुधा शंकर गुहा नियोगी के संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से दिल्ली राजहरा और भिलाई की मजदूर बस्तियों में काम करती रही है, जिसकी चर्चा और सराहना मजदूर अक्सर करते रहते हैं। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के तौर पर खुद को सौंप चुकी सुधा भारद्वाज साल 2002 में वकील बनी, जिसके बाद से अब तक उन्होंने श्रम, भूमि अधिग्रहण, वनाधिकारी और पर्यावरणीय अधिकार से जुड़े ढेरों मुकदमे लड़े हैं। इन मुकदमों में सुधा ने मजदूरों, गरीबों, दलितों, किसानों, आदिवासियों और हाशिए पर बैठे लोगों का पक्ष रखा है। साल 2007 से सुधा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं, जहां इन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य भी चुना जा चुका है। सुधा भारद्वाज ने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कई लेक्चर भी दिए, जहां उन्होंने जनजातीय अधिकार और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर स्टूडेंट्स को समझाया। इतना ही नहीं, सुधा भारद्वाज ने दिल्ली जुडिशियल अथॉरिटी के एक कार्यक्रम में श्रीलंका के लेबर कोर्ट से आने वाले पीठासीन अधिकारियों को संबोधित भी किया। सुधा भारद्वाज ने सिर्फ आम जनमानस के लिए ही नहीं, बल्कि गलत नीतियों का शिकार हो रहे वकीलों के पक्ष में भी जोर शोर से आवाज बुलंद की। वकीलों के एक संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल लॉयर्स यानी IAPL भीम आर्मी के एडवोकेट चंद्रशेखर और एडवोकेट वचिनाथान जैसे वकीलों की गिरफ्तारी के मसले को जोर शोर से उठाया था, जिसमें सुधा भारद्वाज सबसे आगे दिख रही थी। सुधा भारद्वाज अर्थशास्त्री रंगनाथ भारद्वाज और कृष्णा भारद्वाज की बेटी हैं, जो जन्म के बाद अपनी मां के साथ 1971 में अमेरिका से भारत लौट आई थी। सुधा भारद्वाज ने IIT कानपुर में पढ़ाई करते हुए अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी। सुधा को एल्गार परिषद मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वे मुंबई की जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद थी। 1 दिसंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निश्चित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के कारण जमानत दी। भारद्वाज इस मामले में गिरफ्तार 16 कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में पहली आरोपी हैं, जिन्हें तकनीकी खामी के कारण जमानत दी गई है। कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव इस समय चिकित्सा के आधार पर जमानत पर है, जबकि पादरी स्टैन स्वामी की 5 जुलाई 2021 को अस्पताल में उस समय मौत हो गई थी जब वो चिकित्सा के आधार पर जमानत का इंतजार कर रहे थे। न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट।